और अब बात जेडीयू की, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी की असल कमान अब भी नीतीश कुमार के ही पास है। तभी तो लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है और दोनों ही नीतीश का नाम लेकर ही संगठन में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे आरसीपी सिंह के स्वागत के दौरान एक बार फिर पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। बिहार में नीतीश कुमार पावर में है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू में चल रहा है पावर गेम यानी खेला। दिल्ली में शुरू हुआ ये खेला पूरी तरह बिहार में शिफ्ट हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचने पर ललन सिंह का स्वागत जेडीयू के विजयी बादशाह की तरह किया गया। हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा और बारात। आलम ये कि उन्हें पटना एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर पहुंचने में 5 घंटे लग गए। उनके स्वागत वाले पोस्टर से आरसीपी बाबू गायब कर दिए गए। फिर क्या था, कुछ उसी अंदाज में आरसीपी बाबू के समर्थकों ने भी पोस्टर चिपका दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ही गायब कर दिया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज आरसीपी सिंह पहली बार पटना पहुंचे। 10 दिन पहले से स्वागत की तैयारियां चल रही थी, शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी थी। ललन बाबू से पीछे नहीं रहना है, अब मंत्री जी कह रहे हैं पार्टी के अंदर कोई खेला नहीं चल रहा, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा, यहाँ एक ही शक्ति है और वो है नीतीश कुमार। हमारे सारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनमें उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता जो उत्साहित हैं, सब जाएंगे अपने इलाके में, अपने बूथ पर जाएंगे, अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। सर, पार्टी में पोस्टर को लेकर भी काफी मतभेद चल रहे हैं। अरे कोई पार्टी में मतभेद नहीं, इस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, यहाँ कोई मतभेद नहीं होता। आरसीपी सिंह के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धूप ज्यादा होने के बावजूद सभी कार्यकर्ता सड़क पर जमे थे। चिलचिलाती धूप के कारण आरसीपी सिंह को चक्कर भी आ गए। आनन फानन में उन्हें खुली जीप से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाया गया। तेजी से ऑफिस पहुंचे, कमरे में 1 घंटे आराम किया, फिर जनता के सामने पहुंचे। पार्टी के तो एक ही नेता है नीतीश कुमार, सबके नेता नीतीश कुमार हैं। लगता है कि भगवान श्री राम का आगमन जिस तरह से वनवास के बाद अयोध्या में हुआ था, उसी प्रकार से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आदरणीय आरसीपी बाबू का आगमन दिल्ली से पटना की धरती पर हो रही है। खेल शुरू हुआ जब आरसीपी सिंह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बने और कद्दावर नेता ललन सिंह मन महसूस कर रह गए। दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री से अध्यक्ष का ताज लेकर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पहना दिया। यहीं से शुरू हुआ असल खेला, पावर के चेक एंड बैलेंस का। उपेंद्र कुशवाहा को भी आरसीपी सिंह की पार्टी में बढ़ते कद को चेक और बैलेंस करने के लिए ही लाया गया था। जो अब कह रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री के पहली बार पटना आने की जानकारी मीडिया से मिली है। मुझको कोई पार्टी कार्यालय से कोई फोन करके या पत्र के द्वारा कोई सूचना दी गई हो ऐसा नहीं है, बाकी लोगों के बारे में नहीं मुझको मालूम, लेकिन जानकारी प्रेस के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से मुझको है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू में शक्ति परीक्षण जैसी कोई बात नहीं, ये फालतू बात है, पार्टी में सब चंगा सी है की बातें कह दी। नहीं सब फालतू बात, बेकार बात, जेडीयू में कोई शक्ति परीक्षण करेगा। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा, ये सब कोई बात नहीं। जेडीयू के अंदर खाने में चल रही इस खींचतान से विपक्षी आरजेडी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। जेडीयू पर हमले का हथियार हासिल हो गया है और वो जेडीयू के टूट कर बिखरने की भविष्यवाणी कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले माननीय श्री आरसीपी सिंह जी के पटना आगमन के स्वागत की तैयारी को लेकर के जिस तरह से होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जेडीयू के अंदर भारी गुटबाजी और खेमेबाजी है और जेडीयू बिल्कुल ही दो फाड़ हो चुकी है। ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, ये शक्ति प्रदर्शन करें या शक्ति परीक्षण, असल शक्ति तो एक ही व्यक्ति के पास है और वो है नीतीश कुमार। महाभारत चाहे कोई लड़े, सारा चक्कर तो चक्र वाले का ही था। अब जेडीयू का तीर किसी भी चंद्रगुप्त के हाथ में हो, निशाना तो चाणक्य ने ही साध रखा है। 6 अगस्त को पटना की सड़कों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था और आज ठीक 10 दिन के बाद आरसीपी सिंह ने पटना की सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन दोनों की खेमेबाजी में आखिरकार नुकसान जनता दल यूनाइटेड का ही होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।